बोलो श्री देव धनी दरबार की। दर्शन करने आए हुए हैं और हमारे साथी है विशेष सिंगर भी है और गोपा जी गोडला जी भी है और हमारे कई युवा दोस्त भी है। बोलो देव दानी दरबार की जय। यहाँ पर देवनारायण भगवान के क्या है कि कोरोना की महामारी की वजह से भक्त गण काफी कम आए हुए हैं। बोलो शंकर भगवान की। ये बालकृष्ण जी करोले यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं अभी। कोई बात घुमा लिया है समय को जी ये भगवान श्री देवनारायण का मेन मंदिर है जो यहाँ पर दर्शन करने आए श्रद्धालु। हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये भगवान श्री देवनारायण का मंदिर है। आपको दोस्तों जोधपुरा देवनारायण भगवान के दर्शन आप फोन में भी करवा सकते हैं। और ये हमारे युवा साथी और हमारे साथी भक्त गण है जोधपुर देवनारायण भगवान के यहाँ पर आए हुए हैं। साहब देख लो आप अंदर से भगवान श्री देवनारायण भगवान का मंदिर है इस तरह से बना हुआ है।
कितनी शांति है यहाँ पर देवनारायण भगवान की, क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से यहाँ पर भक्तगण नहीं आ पाते। हाँ जी दोस्तों, जोधपुर देवनारायण भगवान के मंदिर के पुजारी थे, इन्होंने भगवान श्री देवनारायण को दर्शन दिए थे और सब इनके हिसाब से भगवान श्री देवनारायण के सपने में आते और इनको दर्शन देते और उसी के हिसाब से इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस तरह से दोस्तों ये श्री सिद्ध विनायक गणेश जी यहाँ पर गुरु रोगनाथ जी है और इस सोई बोझ और चारू भाई है। यहाँ पर भगवान श्री देवनारायण की जब संध्या सेवा का टाइम होता है और सुबह प्रभात का भी होता है, तब ये जालर और यहाँ पर पड़ी होती है। यहाँ पर ये एक चित्र हो रहा है दोस्तों, मेरे भी समझ में नहीं आया किसका चित्र है। यहाँ से ये बांध भी दिखाई देता है, वो पीछे वाली खिड़की से दिखता है, शायद आपको यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा होगा, उस सामने वो खिड़की उससे वो बांध दिखाई देता है। और ये हमारे दोस्त है, ये भी इनको दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि बिल्ला बिल्ली के दर्शन और दीप कुमार का शीस वगैरह वगैरह ये है यहाँ पर, और ये विनय विनोद जी भोपाल जी बिल्ला बिल्ली साडू माता दीप कुमार का शीस देव भक्तों का लाइट की वजह से शायद आपको सही दिखाई नहीं दे रहा हो। दोस्तों शायद आपको यहाँ से दिखाई देता होगा, तो यहाँ से देख लो, ये काट द्वार है, यहाँ से ये बांध के अंदर वहां पर जाते हैं नहाने के लोग भक्तगण। यह पर दुर्गा माता जी का स्थान है सब, और यहाँ पर से देवनारायण भगवान सोई बोझ साडू माता और राधे कृष्णा की तस्वीर रखी हुई है, पता नहीं आपने क्या भगवती रखी। यहाँ आपको मंदिर के पीछे होकर परिक्रमा करते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर सोई बोझ रानी जयंती को रान से लेकर आते हुए यहाँ पर गणेश जी का स्थान है। यहाँ से एक द्वार है जो बाहर की ओर जाता है, लेकिन शायद अभी ये बंद है। और साहब यहाँ पर ये एक घी का ड्रम पड़ा हुआ है, यहाँ पर बजरंग जी का स्थान है। यहाँ से बाहर का नजारा भी दिखाई देता है साहब आपको। यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता का मूर्ति भी बना है।
तो हम यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ पर प्राचीन घी भंडार दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, जिसके अंदर घी के भंडार है जो कभी भी यहाँ पर घी खत्म नहीं होता सा। ऐसा ये घी के पौधे आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो सा एक ये है और पास में ये एक ये भी है, ये इतना बड़ा पौधा है सा घी का, यहाँ पर भरा हुआ रहता है। ये वेदों के क्या था, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव। वीडियो नौकरी होना चाहिए यार, कमेंट कौन कर, मैटर कौन नहीं हूँ मैं।